नमस्कार। सो एक अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता चला थोड़ा लेट कि हाउ मेडिसिन स्पेशली MBBS फॉलोड बाय MD इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव एंड वन ऑफ द सेफेस्ट करियर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट बियॉन्ड जो आपकी पैशन है लोगों को ठीक करने की या ट्रीटमेंट करने की। और उसके मद्देनज़र जो ये कुछ दिनों पहले NMC का नोटिस आया जिसको लेके बहुत सारी कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। वैसे तो 22 तारीख को आ गया था, 4 दिन पहले मैं थोड़ा सा टूर पे था, एक्चुअली बंगाल के एक दो कॉलेजों में रिपोर्टिंग हो रही थी, मैं वापस आया हूँ। तो देखिए बड़ा सिंपल है, आसान भाषा में जो मेरा स्टाइल है कि ये उनके लिए है जिनको लेट ये पता चला, तभी मैंने एक लाइन बोली। और शायद अभी इसलिए ये वीडियो उनके लिए भी है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे करियर काउंसलर वी आर नॉट ओनली MBBS काउंसलर एंड डेफिनेटली वी आर नॉट MBBS एजेंट, बट वी आर सॉरी मोर लाइक अ करियर काउंसलर। तो देखिए किसी ने 11th 12th में सर नॉन मेडिकल नहीं, जी मैं आपको ये बता दूँ, ये तो उसके लिए भी एलिजिबल है जैसे कॉमर्स पढ़ा है, ह्यूमैनिटी पढ़ी है, क्योंकि ना भाषा ऐसी है जो कुछ आर्टिकल्स में आई है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट पढ़ा था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज ए कोर सब्जेक्ट पढ़ा था, तो अब आप बायोलॉजी एज एन एडिशनल, पहले एडिशनल का मतलब क्या है, एडिशनल मतलब ये है कि आपकी 11th हो गई थी, जो टिपिकल जो CBSE की पढ़ाई है, जो हिस्टोरिक रूल था, बल्कि जो हिस्टोरिक रूल को समझना जरूरी है वो ये था कि बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश दोनों पढ़ी हैं 11th में भी 12th में भी फ्रॉम अ रेगुलर स्कूल, रेगुलर कैन बी डमी स्कूल, और डमी स्कूल के बारे में मैं कई बार बात आपको बता चुका हूँ, तभी आप नीट वगैरह में बैठ सकते हो। ये एक और रूल था, इससे कई मॉडिफिकेशन आ गए, पहले तो ओपन बोर्ड भी अलाउड नहीं था, फिर पिछले 4-5 साल से ओपन बोर्ड अलाउड हो गया था। अब यह है कि आपने बिल्कुल भी 11th में पढ़ाई नहीं करी, मतलब सॉरी 11th में आपने समझ लो कॉमर्स ली, आप अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, साथ में इंग्लिश पढ़ रहे हो, अब मैथ्स हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीट के लिए तो मैथ्स वैसे भी नहीं चाहिए ना, तो आपको चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। आप कॉमर्स के बच्चे थे, इंग्लिश था, बाकी 3 नहीं थे। अब राइट नाउ आप 12th में आने वाले हो 2024 में, आपको अचानक से आभास हो गया है कि यार मेडिसिन से तो अच्छा कुछ भी नहीं है, और अगर मेरे नंबर कम भी आए तो मैं प्राइवेट की फ़ीस दे के जा सकता हूँ, जो मेरे साले स्टूडेंट गया है सेम केस, जस्ट टू टेल यू कि ही इज़ ऑलरेडी अ BSc ग्रेजुएट, उसने सेम वही एडिशनल बायोलॉजी करी, ये एक्चुअली 2023 से रूल आ चुका है, उसने एडिशनल बायोलॉजी पढ़ी 12th इतने से और फिर उसने अप्लाई करा। इसलिए इस साल एक दो काउंसलिंग में ना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हैव यू टेकन 12th एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, आई थिंक UP के फॉर्म में 2023 के काउंसलिंग में। तो ये सिचुएशन भी समझिए, आप फिलहाल अगर 12th में हैं कॉमर्स के या नॉन मेडिकल के या आर्ट्स के, 4 में से कोई भी जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, आप नॉन मेडिकल हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश हो गई, मैथ से मतलब है ही नहीं, आप कॉमर्स के हैं ह्यूमैनिटीज़ के हैं इंग्लिश तो होगी होगी, तो तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एडिशनल भरो, नहीं आ पार। आप 11th 12th कर चुके साल पहले, आप BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, कहीं से आपको पता चला यार मेडिसिन MBBS तो बड़ा लुक्रेटिव है, इंडिया में महंगा है, तो BDS कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, नहीं तो अब्रॉड चले जाओ। तो भाई फिलहाल फॉर्म भरो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई CBSE होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी का पेपर भरो। अगर आपने सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, आप कॉमर्स के बच्चे थे, हिम्मत है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एडिशनल भरो, नीट की तैयारी करो, 150 नंबर ले आओ, 1 करोड़ के पैकेज में आप MBBS बन जाओगे। तो ये सुविधा आपको दे दी गई है, ये है मोटा मोटी NMC का रूल। रिकॉग्नाइज बोर्ड से पढ़ो, ओपन बोर्ड भी रिकॉग्नाइज बोर्ड माना जाता है, जो NIUS बोलते हैं, हाँ वो फर्जी नकली बोर्ड में चले जाना, दिल्ली हिंदुस्तान किसी भी कोने का, हरियाणा स्टेट बोर्ड, पंजाब स्टेट बोर्ड, जहाँ भी आप कर सको। आप 12th में हो, 12th 2 साल पहले पास कर चुके, 3 साल पहले पास कर चुके, लुकिंग एट दी अपर एज क्राइटेरिया, वो भी एक इसमें है ना, सिर्फ बायोलॉजी कम थी बायोलॉजी ले लो, बाई चांस आपने कुछ ऐसी, इंडिया में कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स मैथ्स ऑप्शन देते हैं विदाउट केमिस्ट्री, खासकर DPSR के टाइप के, तो आपके पास फिजिक्स था इंग्लिश था, तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पढ़नी है, तीनों भी पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे थे तब आपने गलत डिसीजन ले लिया, अब आपको लग रहा है कि यार मेडिसिन इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव, आप 3 एडिशन भर के भी कर सकते हो। तो ये है मोटा मोटी इस NMC के नोटिस का मतलब, ठीक है। और इसी तरह की सटीक जानकारी, सटीक एनालिसिस हम हमेशा YouTube चैनल पे देते हैं,
तो फील फ्री टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी एजुकेशन सेक्टर में हैं या जिनके पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपको हमेशा ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको हेल्प करेगी। और डेफिनेटली हमारा प्रोफेशन भी है करियर काउंसलिंग करना, MBBS काउंसलिंग करना, MBBS अब्रॉड काउंसलिंग, MBBS इंडिया काउंसलिंग, स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग, और जो भी आप काउंसलिंग करवाना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड बिकॉज वी आर अ रेनोन्ड कंपनी, हमें कॉलिंग बैक या टेली कॉलिंग हम नहीं कराते, और इसलिए हम फ्री ऑफ चार्ज बात भी नहीं करते, इसलिए आप मुझसे बात करते हो जो भी आपको फर्स्ट काउंसलिंग चाहिए, एंड आई चार्ज फॉर दैट। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो कॉल तभी कीजिए जब आप हमारे बेसिक चार्ज देने को तैयार हो, एंड बेसिक चार्जेस फॉर टेलीफोनिक काउंसलिंग इज 2500 रुपये, और फॉर अ फेस टू फेस सेशन इट इज़ 5000 रुपीज़। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बट वी ऑलवेज अश्योर कि जब वो काउंसलिंग सेशन लोगे कभी आप ये नहीं महसूस करोगे कि मेरे पैसे खराब हो गए, नहीं तो वी शैल इमीडिएटली रिफंड। ओके, बट जनरली आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे टेलीफोनिक या फेस टू फेस सेशन के बाद किसी ने रिफंड मांगा हो। जिस तरह मैंने आपको ये समझाया, इसी तरह मैं आपको करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत गहराइयों में बहुत कुछ समझाता हूँ, जिससे आपको हेल्प होती है सही डिसीजन लेने में। आप ले चुके हैं MBBS का फैसला कर चुके हैं तो सही कॉलेज दिलाने में, MBA का फैसला कर चुके हैं तो सही कॉलेज दिलाने में, अब्रॉड जाने का फैसला कर चुके हैं तो किस कंट्री में जाएँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएँ, सब एक सटीक जानकारी देना ही हमारा काम है। उसके बाद आप इवेंचुअल काम भी हमसे करवाना चाहें तो जो भी जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट है हम वो लेते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।